मुरैना के इस्लामपुरा में एक मकान में चल रही फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान भरभरा कर गिर गया। आसपास के मकान भी धमाके की चपेट में आ गए। मलबे में कई लोग दब गए जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मुरैना में पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में अचानक धमाका हो गया। इस्लामपुरा में यह धमाका इतना तेज था कि मकान भरभरा कर गिर गया। आसपास के मकान भी चपेट में आ गए। विस्फोट में मकान के मलबे में कुछ लोग दब गए जिनका रेस्क्यू किया गया। अभी यह भी साफ नहीं हुआ है कि विस्फोट किस वजह से हुआ था। हालांकि मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि यहां सिलेंडर में विस्फोट हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मकान में पटाखे बनाए जाते थे और उन्हें स्टोर कर रखा हुआ था, उनमें आग लगने से विस्फोट हुआ। घटनाक्रम के मुताबिक इस्लामपुरा में रहने वाले गजराज राठौर के मकान में यह विस्फोट हुआ है। प्रशासन ने SDRF को भी मौके पर बुलाया है। देखिए आप भी मौके पर हैं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सब मौके पर है। टीम भी है। प्रथम दृष्टया मुझे तो यही लगता है कि ये सिलेंडर विस्फोट का धमाका है। इस्लामपुरा इलाके के घर में सिलेंडर विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हर घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। गाड़ी बनी चुकी है। दो लोगों के दबे होने की अभी सूचना मकान मालिक द्वारा जो उसके द्वारा दी गई है, और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को सेफ्टी निकाल सकें। अगर और भी ऐसा कोई अंदर दबा होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे। मैं जो जायजा लिया हूँ तो एक घर है, लेकिन आसपास के जो दो तीन घर हैं उनके भी दीवारें थोड़ी सी वीक हो चुकी हैं, तो उसको सेफ्टी में रखते हुए अभी इवैक्यूएट ही नहीं इस एरिया से घर के लोगों को कराया जा रहा है। और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।